फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभव कुकिंग स्टोरीज। तो आज मैं फलाहार का कुछ बनाने जा रही हूँ। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप सभी को जय माता दी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फलाहारी अंगूर की दही वाली खट्टी मीठी सब्जी। अब आप बोलेंगे अंगूर की सब्जी कैसे बनती है, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो दिखा देती हूँ। मैंने लगभग ये एक कटोरी भर के बड़ी वाले अंगूर ले लिए हैं। इनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। आप चाहें तो इनको कट कर सकते हैं, पर मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट होकर अपने आप ही उसमें सॉफ्ट हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। ये मैंने 2-3 टमाटर ले लिए हैं। आप टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी भर के दही ले लिया है, ये फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है बहुत ज़्यादा। सेंधा नमक, थोड़ी सी मैंने शुगर ले ली है, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना वो है, थोड़ी सी तिल है, जीरा है, फ्रेश धनिया, और ये मैंने ले ली है कच्ची कैरी, कच्चे आम जो होते हैं उनके 2-3 पीस ले लिए हैं काट के। और ये मेरे पास है जो बोटी वाली मिर्ची होती है ना, उसको मैंने ऐसे लंबे लंबे पीस में कट कर लिया। और ये तीखी वाली मिर्ची 4 ली है मैंने। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं कम ही मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना कढ़ाई में तेल डालेंगे। मैं मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं, मैं मूँगफली के तेल में बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, लगभग 2-2.5 चम्मच टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, देख सकते हैं आप। जैसे ही ऑयल गर्म होगा वैसे ही मैं इसमें अपना मसाले डालना चालू करूँगी। तो ये देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जीरा, सफ़ेद तिल, और ये कटी हुई मिर्चियाँ, इनको अच्छे से सेकेंगे। अब इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपने टमाटर, इनको अच्छे से पकाना है थोड़ी देर तक। इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्ची। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें इसको आराम से धीमे धीमे पकाना है ताकि अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक इसको पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा अपना सेंधा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप चाहते हैं मैं इसी तरीके की और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ, बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और इसको पकाना है। देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो जले नहीं और सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। ये मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट करनी है हमको, पकानी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना दही, तो चलिए दही को डालते हैं। लगभग इसमें 2-3-4 चम्मच भर के आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। ये देखिए मैंने पूरा दही ऐड कर दिया है, और इसकी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से धो के इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते रहना है और 5-7 मिनट के लिए इसको चलाते हुए पकाना है अच्छे से ताकि ये पक जाए। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम अपने अंगूर डाल देंगे। जो हमने कच्चा आम लिया है उसको हम बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि ये सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है, अब हम इसमें अपने ऐड कर देंगे अंगूर। तो ये देखिए मैं सारे अंगूर डाल रही हूँ इसमें, आप जितने लोग भी खाने वाले हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैं आलू नहीं डाल रही हूँ। इसको अब हम ढक के 8-10 मिनट तक पकाएंगे, और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना थोड़ा सा शुगर। ये मैंने ऐड कर दिया इसमें अपना थोड़ा सा, लगभग 1 टीस्पून शुगर। इसको अब ढक के हम
10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जब तक हमारे टमाटर, मिर्ची और अंगूर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसको पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी अंगूर की खट्टी मीठी दही वाली सब्जी। आप चटनी भी बोल सकते हैं इसको, सब्जी भी बोल सकते हैं। इसमें खूब सारा धनिया ऐड करूँगी मैं, धनिया आप इसमें खूब सारा डालिए और इसको अच्छे से मिक्स करके आप साबूदाने के पराठे के साथ, थेपले के साथ या राजगीरे कुट्टू आटे के पराठे के साथ, पूड़ी के साथ इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारी गर्मा गर्म एकदम स्वादिष्ट फलहारी अंगूर की खट्टी मीठी सब्जी। तो आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बनाई हुई हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो प्लीज़ बनाइए, खाइए और आप सभी को फिर से जय माता दी एंड थैंक यू।